उज्जैन में ब्लैक फंगस से दो मरीजों की आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई हैं। उज्जैन के आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए 15 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें 10 से अधिक मरीज भर्ती हैं। क्या है ब्लैक फंगस और कैसे निपटे इस जानलेवा बीमारी से, आइए जानते हैं सिटी चैनल की रिपोर्ट में। उज्जैन में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिस तरह प्रतिदिन इस बीमारी से ग्रस्त मरीज आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, उससे लगता है कि अस्पताल में मौजूद 15 बेड वाला वार्ड विस्तारित करना पड़ेगा। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुधाकर वैद्य से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दो मरीजों को भर्ती किया गया है, जबकि 10 मरीज पहले से ही इस बीमारी से पीड़ित होकर भर्ती हैं। 5 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान फंगस निकाला जा चुका है, लेकिन एंटी फंगस इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों में फिर से फंगस बनने की समस्या हो सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो मरीजों की आंखों की रोशनी इस बीमारी से जा चुकी है। आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में 10 से अधिक डॉक्टरों का स्टाफ ब्लैक फंगस पीड़ित मरीजों को देख रहा है। डॉक्टर वैद्य के मुताबिक भर्ती हुए दो मरीजों को कोविड-19 होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने के बाद तथा शुगर कंट्रोल में आने के बाद ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने दवाइयों की कमी को बड़ी परेशानी बताते हुए कहा कि यदि समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हुई तो फंगस के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। देश कोरोना संकट से जूझ ही रहा है कि इस बीच म्यूकोर माइक्रोसिस संक्रमण यानी ब्लैक फंगस का एक और खतरा लोगों पर मंडराने लगा है। ENT डॉक्टर एसोसिएशन के बीच सचिव डॉक्टर राजेंद्र बंसल के अनुसार यह बीमारी उन कोरोना पीड़ित मरीजों में देखने को मिल रही है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। दुर्लभ किस्म की यह बीमारी आंखों में होने पर मरीजों की रोशनी भी खत्म कर दे रही है। डॉक्टर राजेंद्र बंसल ने बताया कि यह शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। इस बीमारी से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। ये ब्लैक फंगस या काली फफूंद या जिसे हम म्यूकोर हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं, ये पहले भी होता था लेकिन अभी कोविड के बाद में इसका इंसिडेंस रेट काफी हाई हुआ है जी। ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, वो डायबिटिक पेशेंट और जिनको कोविड हुआ है उसमें होती है। इसका दूसरा कारण ये है कि जो कोविड के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि देना जरूरी भी है, उससे भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो उसमें म्यूकोर के जो स्पोर्स वायुमंडल में रहते हैं वो नाक के रास्ते अपने ग्रोथ करते हैं और इस ढंग से म्यूकोर माइकोसिस या काली फफूंद होती है। तो इसको कैसे पहचाने, उसका क्या इलाज है सर? इसको पहचान तो डॉक्टर ही पाते हैं। मोस्टली ये नाक से शुरू होती है, नाक से धीरे धीरे ये आंखों में चली जाती है और आंखों से दिमाग में जा सकती है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद ICMR के मुताबिक ब्लैक फंगस एक दुर्लभ तरह का फंगस है। यह फंगस शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यह इन्फेक्शन उन लोगों में देखने को मिल रहा है जो कि कोरोना संक्रमित होने से पहले किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे। यह उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इस बीमारी से मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर देखने को मिलता है। इसके कारण आंखों की रोशनी भी चली जाती है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जाती है। अगर समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो मरीज की मौत हो जाती है। यह संक्रमण ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिल रहा है जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को डायबिटीज पर कंट्रोल रखना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र बंसल के मुताबिक ब्लैक फंगस के कारण सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद या साइनस के अलावा देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण दिखे तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण या उसके डर के कारण कई बार लोग बिना डॉक्टरी सलाह के या जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड ले लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से ब्लैक फंगस का खतरा होता है। ऐसे तो इसका इन्वॉल्वमेंट फेफड़े, खाने, आहार नली वगैरह सब में होता है। अभी जो देखने में आ रहा है मोस्टली ये नाक में, आंखों में और दिमाग में पाई गई। इसका क्या इलाज है सर इसके लिए? इसका इलाज सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन है। सबसे पहले जैसे ही किसी पेशेंट को जिसको जो डायबिटिक है या जिसको कोविड हुआ है उसकी आंखों में अचानक दर्द होने लगे, नाक बंद लगने लगे, नाक से काला कोई पदार्थ आने लगे, नाक से खून आने लगे, नाक में सूखापन लगे, आंखों में दर्द हो, सर दर्द हो, आंखों में लाली आए, आंखों से कम दिखने लगे, ये सारे लक्षण म्यूकोर माइकोसिस या काली फफूंद के हैं। तुरंत इस तरह के पेशेंट को नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए ताकि वो नाक से जरिए या किसी भी तरह से देख सके कि कहीं काली फफूंद तो नहीं हो।
मौजूदा वक्त में इस बीमारी से निपटने के लिए अभी सुरक्षित सिस्टम नहीं है। इसकी दवा की शॉर्टेज या कालाबाजारी अभी से ही कुछ जगहों पर देखने की खबर आ रही है। ऐसे में विशेषज्ञ बताते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए सतर्कता ही इसका बचाव का एकमात्र कारण है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।